हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेगी। चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। देखिए, पहला मैसेज तो मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है वो ये है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप लोग कहीं ना कहीं डील कर रहे हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। एंड सेकेंडली, जो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप लोग अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हो, आप लोग आप अपने आप से ही भाग रहे हो, आप अपनी वीकनेसेस से भाग रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत फियरफुल एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, मे बी ये कनेक्शन में ये हो सकता है कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो और आप लोग कहीं ना कहीं भाग रहे हो उस चीज़ से कि नहीं, ये डिफरेंसेस सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेंगी, या फिर कौन कैसे एक्सेप्ट करेगा, या फिर हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अगर मैं मेरे पर्सन को अप्रोच करूँगा या करूँगी तो वो मुझे कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन आ गया, ठीक है, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से भाग रहे हो। यू आर इन अ रनर एनर्जी, वो भागने से काम नहीं चलेगा। वो जितना आप भागोगे उतनी ही चीज़ें आपको ट्रिगर होंगी, उतनी ही चीज़ें डिवाइन आपके सामने लाएंगी ताकि आप अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम कर सको। आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, उस पर अपना नाम लिखिए एंड उस पर अपनी 10 क्वालिटीज़ लिख दीजिए या 20 ऐसी क्वालिटीज़ लिख दीजिए जो नेगेटिव हो, है ना। तो लिखिए ना, मैं लाइक मेरे अंदर काफ़ी सारे चीज़ों को लेके, जैसे फियर है, आप लिखिए फियरफुल एनर्जी है, मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, एंड जो भी आपको लगता है। ठीक है, वंस यू नो कि ये सारी कमियाँ आपके अंदर है, देन आप उस पर फिर काम करना शुरू करिए। ठीक है, कि अगर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो मुझे गुस्सा कम करना है, मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी ईगो को सॉफ्ट करना है। ठीक है, अगर मेरे अंदर दया भावना नहीं है, या फिर मैं चैरिटी नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, तो सबसे पहले मुझे चैरिटी करनी है, या फिर मैंने अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल क्लोज करके रखा हुआ है, मैं किसी को एंट्री देता ही नहीं हूँ या देती ही नहीं हूँ, तो थोड़ा सा खोल लो हार्ट चक्रा। बंद करोगे तो कहीं ना कहीं हार्ट की डिसीज़ होने के चांसेस है फ्यूचर में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आपको अपने ऊपर काम करना है, पहले अपने आप को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी कमियाँ मेरे अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एक्सरसाइज नहीं पसंद है, तो ये भी तो मेरे अंदर एक कमी है। अगर मुझे एक्सरसाइज नहीं पसंद है तो मुझे उसके लिए कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, फिर मुझे ये करने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बगैर करे तो काम चलेगा नहीं। जब आप वो करेंगे तब आप अपनी शैडो साइड को फेस करेंगे एंड तब आप एक आप अपने यूनियन एंड रीयूनियन के नज़दीक आएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। आप और भी टेक्निक से आप अपने वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हो, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, नहीं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से अपने ऊपर काम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन से बहुत अच्छा काम होता है। ओके, एंड सेकेंडली, जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जो भी आपके पर्सन है ना, वो काफ़ी थोड़े से रूड हैं, थोड़े से इगोइस्टिक है, थोड़े से स्टबन है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। I mean, वो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, प्लानिंग ओरिएंटेड है, माइंड गेम खेलते हैं वो। इस समय भी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है कि इस कनेक्शन को कैसे आगे लेके जाना है, इस कनेक्शन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। एवरीथिंग इज़ गोइंग इन योर पर्सन माइंड एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक पावर वाली एनर्जी में है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपके पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़। ओके, मुझे लगता है आप दोनों के कनेक्शन में अभी टावर मोमेंट है, बातचीत नहीं हो रही है या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है, बट आप विश्वास रखिए आगे जाके पॉजिटिव शिफ्ट आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहा है, आप लोग के कनेक्शन में आ रहा है। ये जो भी प्यार है आपका, राइट, ये आपको बदल रहा है, ये आपको बदल रहा है, आपके पर्सन को बदल रहा है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, इस कनेक्शन में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों के अंदर ही एक्सट्रीम लेवल का पैशन है एक दूसरे को लेके, दोनों के अंदर ही। एंड कहीं ना कहीं, या तो आप दोनों के अंदर ही, नहीं तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन के अंदर स्पेसिफिकली एक एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा है आपको लेके। आई डोंट नो व्हाई,
बट है, एक गुस्सा है, एक जिद है। मे भी ये हो सकता है कि आप उनकी नहीं सुनते हो तो वो थोड़े से चिढ़ जाते हो, क्योंकि मेरी तो नहीं सुनती है या फिर मेरे तो नहीं सुनता है, वॉट एवर इट इज़, नहीं सुनते हैं, सॉरी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की चिढ़ हो सकती है आपके पर्सन के अंदर, और कहीं ना कहीं यस, आपके पर्सन मुझे थोड़े से गुस्से वाली एनर्जी में दिख रहे हैं आपको लेके। साथ में पैशन भी बहुत सारा है, प्यार भी है, एंड आप लोग को रिस्पेक्टिव डाउनलोड्स मिल रहे हैं या मिल चुके हैं। आप लोग का क्राउन चक्रा बिल्कुल एक्टिवेट हो गया है। आप इस समय काफ़ी अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करिए, और भी आप लोग को जो डाउनलोड्स मिलने होंगे वो मिलने में आसानी हो जाएंगी, वो समझने में आपको आसानी हो जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं जो भी आप लोग को डाउनलोड्स मिले होंगे, आप उस चीज़ को फॉलो करिए अपनी लाइफ में। दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ यू नो सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। वो किसी न किसी वे में आपकी लाइफ में काफ़ी सारी सक्सेस लाएगा एंड काफ़ी सारी खुशियाँ लाएंगे। ओके, देन वी हैव डिफरेंट कार्ड्स, डेस्टिनी, एक्सपेंशन, सोलमेट, कन्फ्यूजन, रिन्यूअल। देखिए यहाँ पे ना बहुत क्लियर मैसेज है कि आप लोग को अगर अब भी लगता है कि नहीं, जिनसे मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे सोलमेट नहीं है, वो मेरे कार्मिक होंगे, तभी मुझे वहाँ से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तभी मुझे वहाँ से पेन मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन कनेक्शन में बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, डिवाइन कनेक्शन को झेलना आसान नहीं है। तो अगर आप जिसको भी लेके कन्फ्यूज़ हो, बिल्कुल कन्फ्यूजन से बाहर आ जाइए, कहीं ना कहीं वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड है, आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड है, आपको पता है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। एंड कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल ऑफ वही पैशन, लव आपके अंदर इग्नाइट हो चुका है एक दूसरे को लेके। ओके, यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग का ना एक्सपेंशन हो रहा है, आप लोग की सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, आप लोग की ग्रोथ हो रही है, आप लोग को भगवान यू नो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है अगर इस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं जो हाइएस्ट फोर्सेज है, आपके स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स और भी जो हाइएस्ट फोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं आपको इस समय हील कर रही है, हीलिंग की एनर्जी है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो मुझे लगता है वो भी हील हो जाएंगे आने वाले समय में। या और एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दी डिवाइन, अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी। आप लोग की लाइफ में अगर कुछ दुख है या कुछ सुख है, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी इस समय, ठीक है? यस, कहीं ना कहीं आप दोनों ने ना अपनी जर्नी पे फेथ रखना है, एक विश्वास रखना है कि आगे जाके सारी चीज़ें ठीक होंगी। एंड जो भी कन्फ्यूजन है इस समय, कन्फ्यूजन भी अगर आपको हो रहा है तो कुछ समय में वो कन्फ्यूजन बिल्कुल हट जाएगा इस कनेक्शन को लेके। एंड मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन एक नए वे में यू नो रिन्यू होगा, और वो कनेक्शन तब रिन्यू होगा जब आप एक डिवाइन, सॉरी, आप एक मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन से, जब आप डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन बनोगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में यूनियन इतना आसान नहीं होता है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप इनर वर्क नहीं करोगे, तो फिर वही लूप चलता रहेगा और फिर ये जो कनेक्शन है वो सॉरी टू से नेक्स्ट बर्थ में चला जाएगा, ऐसा होता है। तो यू गाइज रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। कम्युनिकेशन इज़ द की, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। देखिए एक मैसेज और है, आप लोग को एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। चाहे आप लोग के अंदर 1,000 डिफरेंसेस हो, 1,000 आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स हो, 1,000 आप लोग के बीच में क्लैशेज हो, लेकिन आप लोग को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है नो मैटर वॉट, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज़ द की, आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है, ताकि जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाए। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, आप, मैंने क्या कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन इगोइस्टिक है, तो कहीं ना कहीं आप भी हो, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है? तो जो भी है, आप इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा पीस लाइए, प्यार लाइए। एंड ये कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आपको अगर सक्सेस चाहिए या फिर इस कनेक्शन में यूनियन चाहिए, तो वो कम्फर्ट जोन में रह के नहीं आएगा, उस कम्फर्ट जोन से बाहर आइए, काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, तभी जाके वो आपको रिस्पेक्टिव सक्सेस मिलेंगी। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई एम वेरी श्योर योर ड्रीम्स आर रियली वेरी बिग, यू नो मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। एंड कहीं ना कहीं जो बड़े ड्रीम्स होते हैं ना, वो कम्फर्ट जोन में रह के फुलफिल नहीं होते। बड़े ड्रीम्स के लिए हमें बड़ी प्लानिंग करनी होती है एंड साथ में उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है।
तो कहीं ना कहीं आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।